मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भारत के बहुत ही अच्छे शासक माने जाते हैं जिन्होंने सालों तक शासन किया। मौर्य साम्राज्य के ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकत्रित करने में सफल रहे। उन्होंने अपने अकेले के दम पे पूरे भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे जो यहाँ वहाँ अलग अलग शासन चलाते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, जो अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के डक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी शासन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 पाटलिपुत्र में हुआ था। मौर्य साम्राज्य खड़े होने का पूरा क्रेडिट चाणक्य को जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि उसे उसका हक दिला के रहेंगे, उसे राजगद्दी में बिठा के रहेंगे। चाणक्य जब तक्षशिला के टीचर थे तब अलेक्जेंडर भारत में हमला करने की तैयारी में था। तब तक्षशिला के राजा व गंधरा दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए थे। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी। पंजाब के राजा प्रभसवर ने अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु पंजाब के राजा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद नंदा साम्राज्य के शासक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। साथ ही चाणक्य का खूब मजाक भी उड़ाया गया। तो दोस्तों, आगे देखने से पहले चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस घटना के बाद चाणक्य ने तय किया कि वो एक अलग साम्राज्य खड़ा करेंगे जो कि उसके अनुसार नीति से चले, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में मेडसोन के राजा सिकंदर को हराया था। इसके बाद भी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बताया। आपको क्या लगता है, चंद्रगुप्त मौर्य महान थे कि सिकंदर? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा।